एक पति पत्नी आपस में नाराज चल रहे थे। नाराजगी भी इतनी थी कि एक ही कमरे में रहते हुए आपस में एक दूसरे को बोलते तक नहीं थे। दोनों अपने अपने काम में कोई कमी नहीं आने देते। जैसे सुबह पति उठता तो पत्नी चाय टेबल पर रख जाती और ऑफिस का समय होता तो लंच बॉक्स तैयार करके दे देती। इसी तरह पति भी ऑफिस से आते हुए सब्जी राशन आदि लाकर रख देता। काफी दिन गुजर गए। एक दिन पति को जरूरी काम से ऑफिस में 8 बजे की जगह 6 बजे पहुंचना था, लेकिन उसकी नींद 7 बजे से पहले नहीं खुलती थी। रात को सोने के समय पति को विचार आया कि मुझे सुबह 5 बजे कौन उठाएगा। पति के दिमाग में एक उपाय आया। वह एक पर्ची अपनी पत्नी के नाम लिखने लगा। देखो प्रिया, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मुझे 5 बजे जगा देना। इस तरह पर्ची लिखकर वह अपनी पत्नी के बेड पर रख आया और बेफिक्र होकर सो गया। पत्नी पर्चा उठाकर पढ़ी और कुछ सोचा और वह भी सो गई। सुबह पति की नींद खुली तो उसने उठकर घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 7 बज रहे थे। फिर उसकी निगाह तकिए पर गई तो वहाँ एक पर्ची रखी थी और उस पर लिखा था, जी उठ जाओ, सुबह के 5 बज गए हैं।